फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होने से अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। चारों तरफ यही बात चल रही है कि मोदी सरकार 10 मार्च के बाद से तेल के दामों में बढ़ोतरी करेगी। वहीं ऐलान से पहले ही कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने पोस्टर जारी कर पेट्रोल 125, डीजल 120, सोयाबीन तेल 200 रुपए तक बढ़ने का अनुमान जताया है। 10 मार्च से कमर तोड़ महंगाई पर लगाम लगाए अग्रिम शुभकामना के पोस्टर जारी किए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। इस बीच सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में अभी वृद्धि नहीं की है। सरकार ने 5 राज्यों में चुनाव के मद्देनजर कीमतों में बदलाव नहीं किया है। वही अब 10 मार्च को परिणाम सामने आने के बाद तेल के दाम बढ़ सकते हैं। ICICI सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 2 महीनों में वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ने के कारण सरकार के स्वामित्व वाली खुदरा तेल कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं अब जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार 16 मार्च या फिर उससे पहले तेल के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। ICICI सिक्योरिटीज का कहना है कि लाभ को भी जोड़ लें तो उन्हें 15 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर दाम बढ़ाने ही होंगे। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है। इस बीच रूस के यूक्रेन पर हमला करने से कच्चा तेल का आयात प्रभावित हुआ है और कीमतों में अभी और उछाल आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।